नाजरीन, मैं मोहम्मद फरीदुद्दीन सिद्दीकी, N99 न्यूज वॉइस ऑफ इंडिया के खबरनामे में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर नजर। नाजरीन, खबर के अख्तिताम पर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, खासकर बेल के बटन को दबाना बिल्कुल ही ना भूले, जिससे हमारे खबर की इतला आपको मिलती रहेगी। तो आइए डालते हैं इस खबर पर। मासूम आवाम को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए ऐंठने वाली चार रुकनी टोली हुई गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक SOT एलबी नगर और एलबी नगर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर मासूम आवाम से ठग कर लाखों रुपए ऐंठने वाली चार रुकनी टोली को किया गिरफ्तार। इनके कब्जे से 25 रबर स्टैंप और 5 लाख की नकद रकम, सेल फोन्स और फर्जी दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया। राचाकोंडा कमिश्नर ने आवाम से कहा कि अगर कोई इनका शिकार हुआ शख्स अगर बाकी है और इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहता है तो वो एलबी नगर SOT एलबी नगर पुलिस स्टेशन से रुजू होकर इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है और इसके ऊपर और कार्रवाई आगे की जा सकती है और इस कारकर्दगी को बेहतरीन तरीके से अंजाम देने पर SOT एलबी नगर के अमले को कमिश्नर राचाकोंडा ने नकद रकमी इनामात से भी नवाजा। आइए नाजरीन डालते हैं इस खबर पर एक तफसीली रोशनी, जिसे पेश किया है हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद फरीदुद्दीन सिद्दीकी ने। राचकोंडा SOT और एलबी नगर जोन पुलिस ने एक फेक जॉब रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इसमें जो एक गैंग का जो लीडर है उसका नाम है मद्देला मड़गू वर कुमार, जो नलगोंडा का रहने वाला है लेकिन यहाँ पे हैदराबाद में करमन घाट एरिया में यहाँ पे आजकल है। 2016 में भी चैतन्यपुरी पुलिस स्टेशन के एक सिमिलर केस थी फर्जी सर्टिफिकेट की, उसमें उसे अरेस्ट किया था। उसके साथ यतकुला प्रमोद कुमार, वेन्नू दिनकर रेड्डी और विपर्ति प्रकाश, ये चार लोगों को अरेस्ट करते हुए उनके पास से 5,70,000 कैश, 24 फेक जॉब अपॉइंटमेंट ऑर्डर, 53 फेक रबर स्टैम्प्स, एक लैपटॉप, एक प्रिंटर और 4 मोबाइल फ़ोन बरामद किया है। ये जो गैंग है खासकर आउटसोर्सिंग के जॉब यहाँ पे पंचायत राज डिपार्टमेंट अपने तेलंगाना गवर्नमेंट का और जुडिशियल डिपार्टमेंट में, जिसमें अटेंडर, जूनियर असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये जॉब के लिए हम आपको एम्प्लॉय करेंगे और आपको फिर तनख्वाह मिलेगा ये प्रॉमिस देके कम से कम 1,10,000 से इन लोगों ने पैसा कलेक्ट किया है। 24 लोगों से इन्होंने पैसा कलेक्ट किया है 22-23 लाख रुपए तक और उनको फंसाया है। ये जो गैंग है पूरा, ये 2016 में भी इसमें 2 लोग हमने अरेस्ट किए थे, जिसमें चैतन्यपुरी PS में वर कुमार एक्यूज नंबर 1 और सरूनगर PS में वेन्नू दिनकर रेड्डी एक्यूज नंबर 3। एक्यूज नंबर 3 जो वेन्नू दिनकर रेड्डी है, इसने दिल्ली से MCA किया है, बाद में UK में MS के लिए गया था, वहाँ पर ड्रॉप आउट हो गया और 2016 में यहाँ सरूनगर में इंजीनियरिंग के फेक सर्टिफिकेट में उसको हमने अरेस्ट किया था। जेल से बाहर, जेल में उसकी वर्कमार के साथ मुलाकात हुई और जेल से बाहर आने के बाद ये आउटसोर्सिंग जॉब का नया प्लान उन्होंने बना के तकरीबन अभी हमारे पास में 19 सर्टिफिकेट जो मिले इनके आउटसोर्सिंग जॉब के, वो पंचायत राज डिपार्टमेंट जूनियर असिस्टेंट के लिए है और 5 सर्टिफिकेट जो मिले हैं वो है जुडिशियल डिपार्टमेंट के, जिसमें 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर, 2 जूनियर असिस्टेंट और 1 अटेंडर के पोस्ट के लिए इन लोगों ने अपॉइंटमेंट फेक अप। 2016 में भी इसमें 2 लोग हमने अरेस्ट किए थे, जिसमें चैतन्यपुरी PS में वर कुमार एक्यूज नंबर 1 और सरूनगर PS में वेन्नू दिनकर रेड्डी एक्यूज नंबर 3। एक्यूज नंबर 3 जो वेन्नू दिनकर रेड्डी है, इसने दिल्ली से MCA किया है, बाद में UK में MS के लिए गया था, वहाँ पर ड्रॉप आउट हो गया और 2016 में यहाँ सरूनगर में इंजीनियरिंग के फेक सर्टिफिकेट में उसको हमने अरेस्ट किया था। जेल से बाहर, जेल में उसकी वर्कमार के साथ मुलाकात हुई और जेल से बाहर आने के बाद ये आउटसोर्सिंग जॉब का नया प्लान उन्होंने बना के
तकरीबन अभी हमारे पास में 19 सर्टिफिकेट जो मिले इनके आउटसोर्सिंग जॉब के, वो पंचायत राज डिपार्टमेंट जूनियर असिस्टेंट के लिए है, और 5 सर्टिफिकेट जो मिले हैं वो है जुडिशियल डिपार्टमेंट के, जिसमें 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर, 2 जूनियर असिस्टेंट और 1 अटेंडर के पोस्ट के लिए इन लोगों ने अपॉइंटमेंट, फेक अपॉइंटमेंट ऑर्डर बनाए हुए। ये गैंग से और भी कोई अगर विक्टिम्स है तो उनको हमारा निवेदन है कि आप हमारे यहाँ पे, अभी हमने हयात नगर वनस्थलीपुरम मीरपेट पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, आप यहाँ पे अप्रोच हो सकते हो, या हमारा जो व्हाट्सएप कंट्रोल नंबर है 9490617111, इसके ऊपर आप समाचार दे सकते हो। एक गैंग को पकड़ के अच्छा काम करने वाले हमारे SOT और LB नगर जोन के जो पुलिस कर्मी हैं, उन लोगों को मैं इस बाद में सेपरेट रिवार्ड दे रहा हूँ।